गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर मैथ्स क्लास। इन दिस क्लास वी विल डू चैप्टर नंबर 10th ऑफ डिस्कवरिंग मैथ्स बुक। सो लेट अस स्टार्ट। अवर 10th चैप्टर इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इन प्रैक्टिस जोन 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सम ऑफ, अच्छा, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो भी है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस चीज़ में जो भी एक्सप्रेशन हो उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे ए पार्ट के अंदर अपने को कह रहे हैं सम ऑफ 4 and 5, तो इसका जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 4 + 5, 3 इज एडेड टू 8, तो 8 + 3, डिफरेंस बिटवीन 8 and 5, तो 8 - 5, 2 टेकन अवे फ्रॉम 5, तो 5 - 2। ऐसे ही आप इसके रिमेनिंग भी करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन 2। प्रैक्टिस जोन 2 के अंदर अपने को कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग। अब जब भी ऐसे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन आए, उसमें अपने को बॉर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। बॉर्ड मास का रूल, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। अब जैसे ए पार्ट दे रखा है 7 + 2 - 3 + 1। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें प्लस और माइनस है, बट अपने को सबसे पहले इसमें प्लस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7 + 2 - 9। अब माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2, 9 - 2 - 7 इज द आंसर। ऐसे बी पार्ट 4 - 2 + 8 - 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 6। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन 3। प्रैक्टिस जोन 3 के अंदर अपने को कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग। अब ए पार्ट के अंदर दे रखा है 5 + 7 * 11 + 12 - 8, तो इसमें सबसे पहले बॉर्ड मास का रूल ही देखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 7 - 11 = 77, तो 5 + 11 + 12 - 8, जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो 5 + 77 + 4, तो 86 इज़ द आंसर। अब इसमें अब एक सी पार्ट और देखिए। सी पार्ट के अंदर कह रहे हैं 11 + 5 * 4 + 2 - 2 + 9 * 4। अब ध्यान से देखिए, प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों। बाकी टर्म जो रिमेनिंग है 11 + 4 = 20 + 9 = 36, तो 11 + 20 + 36 सम अप करेंगे तो 67 इज़ द आंसर। ऐसे आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये इक्वेशन है, इसके अंदर डिविजिबल वाली टर्म है, डिवाइड वाली टर्म, मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अपने डिवाइड वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। ए पार्ट के अंदर देखिए 11 - 4 + 11 * 8 + 132 / 11 + 11, तो सबसे पहले 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो 11 - 4 + 88 + 12 + 11, जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो अपना कितना आएगा 7 + 88 + 12 + 11। ऐसे इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर 4 + 10 - 10 + 24 / 8 + 1 * 8, अब 24 / 8 करेंगे तो कितना आएगा 8 * 3 = 24, तो क्या आएगा 4 + 3 + 8, तो तीनों का ऐड अप करेंगे तो 15 इज़ द आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।